मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैं आपसे कह रहा था कि सुखी विवाहित जीवन के लिए आपसी समझ का होना जरूरी है, एक यूरोपियन विचारक ने कहा है, लव इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द हाइएस्ट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ टू द पावर ऑफ ट्रूथ, नॉलेज, ब्यूटी, फ्रीडम, गुडनेस एंड हैप्पीनेस। एक बार मुझसे पूछा गया, किसी को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैंने कहा, किसी को समझने के लिए हमें स्वयं समझदार होना चाहिए। आपको पता है कि अंग्रेजी के अंडरस्टैंड शब्द का अर्थ है टू स्टैंड अंडर, अर्थात किसी को समझने के लिए आपको उसके आगे झुकना होगा। दुर्भाग्य से हम दूसरों को समझने की योग्यता खो रहे हैं। हम दूसरों को बारे में झट से अंदाजा लगाने लगते हैं। हम तो किसी के लिए भी किसी के बारे में भी राय बना लेते हैं, चाहे हम उसे ठीक से जानते भी न हों। दूसरों को अच्छी तरह समझने से हमारी नम्रता की भावना का विकास होने लगता है। अंग्रेजी के अंडरस्टैंड का अर्थ है स्टैंड अंडर, लेकिन कोई भी किसी के नीचे नहीं होना चाहता। हर कोई चाहता है कि वह सबसे ऊपर रहे। इसलिए अगर आजकल तलाकों की संख्या बढ़ रही है, घर टूट रहे हैं, माता पिता कहते हैं कि वे अपने बच्चों को नहीं समझ पाते और बच्चे अपने माता पिता को नहीं समझते, तो इसमें हैरानी की कोई बात ही नहीं है। पत्नियां तर्क करती हैं, मैं ही घर में रहकर घर का काम और बच्चों की देखभाल क्यों करूं? पति भी खाना बनाए और घर की साफ सफाई भी करे। पति का कहना है कि मैं घर के काम और बच्चों की देखभाल में मदद क्यों करूं? मैं पैसे कमा कर लाता हूं, घर में मैं उंगली तक नहीं हिलाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नम्रता और आपसी समझदारी खुशी की कुंजियां हैं। जब आप अपने जीवन साथी से प्रेम और आदर करना सीखते हैं, जब आप उसके विशेष गुणों की प्रशंसा करते हैं, तो आपके विवाह का बंधन और भी मजबूत हो जाता है। मुझे बहुत दुख और निराशा होती है जब कोई विवाहित स्त्री या पुरुष हमारा शब्द की जगह मेरा शब्द का इस्तेमाल करता है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, मेरी कार, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरा बैंक बैलेंस आदि। अगर आपने मैं की जगह हम और मेरी की जगह हमारे नहीं सीखा, तो विवाह का प्रयोजन क्या रहा? विरला कोई गुरमुख ज्ञानी जो समझे अपना घर पार फानी, पानी समझ कर सब तू त्याग, भस्म कर सब मन का राग। मिटा के मन को जला
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी लगातार यह कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रेम में से अहम और सांसारिक चीजों को निकाल बाहर करें। कोई पत्नी अपने पति से कहती है, अगर तुम मुझे सचमुच प्रेम करते हो तो मेरे जन्मदिन पर मुझे एक हीरे की अंगूठी देना। या पति कहता है, अगर तुम मुझे सचमुच प्रेम करती हो तो मेरी कही किसी भी बात का विरोध न करना। यह प्रेम की तंग और स्वार्थी धारणा है। ऐसे लोगों को बराबर के साथी में रुचि नहीं होती। वे केवल कोई ऐसा साथी चाहते हैं जो हमेशा उनके गुण गाता रहे, लाड व चापलूसी करता रहे और उनके अहम को बढ़ाता रहे। यदि उनका साथी उनकी किसी बात से सहमत नहीं होता या वह अपनी कोई अलग राय देता है तो उसे अनलविंग व्यवहार समझा जाता है। मैं चाहता हूँ कि विवाहित लोग आपस में जरा ज्यादा समवेदना से काम लें। समवेदना और कुछ नहीं, केवल दूसरे साथी के दृष्टिकोण को समझने का नाम है। इसका एक बढ़िया उदाहरण इस सुनहरी नेम में मिलता है, औरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। विवाह के बंधन को मजबूत करने के लिए यह एक अचूक तरकीब है। क्या आप स्वयं को संवेदनाशील, भावुक और विशेष समझते हैं? अपने जीवन साथी को भी ठीक ऐसा ही समझें। क्या आपको लगता है कि आपका जीवन साथी कभी आपको ठेस न पहुंचाए या आपको दुखी न करे, आपका अपमान न करे? तो आप भी अपने जीवन साथी के साथ ऐसा ही शिष्ट व्यवहार करें, क्योंकि संवेदना आपसी आदर पर आधारित होती है। हमारे भीतर संवेदना की भावना का विकास तभी हो सकेगा जब हम अपने करे कठोर स्वभाव से निकलकर दूसरे की दृष्टि से संसार को देखें। स्वार्थी प्रेम की मांग रहती है कि दूसरा मनुष्य सिर्फ हमारे फायदे के लिए जिए और सब कुछ हमारे फायदे के लिए करे। मुझे लगता है ऐसा करने से आप अपने साथी पर अधिकार जमा कर, उसे अपने वश में रख कर, उसे नीचा दिखाकर उसका अपमान कर रहे हैं। किसी दूसरे मनुष्य पर अधिकार जमाना गलत बात है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक कहावत है, द बर्ड ऑफ पैराडाइज अलाइट्स ओनली अपॉन द हैंड दैट डज नॉट ग्रैस्प, अर्थात स्वर्ग के पक्षी उसी हाथ पर आकर बैठते हैं जो हाथ उन्हें पकड़ता नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के स्वार्थी युग में सहनशीलता एक बड़ा गुण है। सहनशीलता और कुछ नहीं, बस अपने जीवन साथी की सोच और आदतों को समझना, उसकी पसंद का आदर करना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे दूसरे का दृष्टिकोण स्वीकार कर लें। इसका मतलब केवल इतना है कि आप उसे समझने की कोशिश करें। एक शेखी खोरपति बोला, मैं अपनी पत्नी को ठीक करना जानता हूँ, मैं उसे अपने वश में रखता हूँ। और एक तेज स्वभाव की पत्नी ने कहा, मेरे पति की हिम्मत नहीं कि मेरी किसी बात का विरोध करे। मेरे मुंह से निकला एक शब्द ही मेरी जीत साबित कर देता है। मेरे विचार में विवाहित जीवन में मतभेद से निपटने का यह बहुत ही विनाशकारी और तुच्छ तरीका है। सच्चा प्यार नीचा नहीं दिखाता, बल्कि ऊंचा उठता है। सच्चा प्यार अपने जीवन साथी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे बढ़ावा देता है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो उसे नीचा कैसे दिखा सकते हैं?
एक पति की आदत थी कि वह अपने मित्रों, मेहमानों और अजनबियों के सामने अपनी पत्नी को हमेशा नीचा दिखाता। अक्सर वह उसकी हंसी उड़ाते हुए कहता, यह बिल्कुल अनपढ़ है, 5वीं कक्षा फेल, या मेरी पत्नी बड़ी फोहर है आदि। एक दिन एक पार्टी में उसने अपनी पत्नी के बारे में ऐसी ही कोई अपमानजनक बात की। यह कभी भी कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। पत्नी उसकी तरफ मुड़ी और ऊंचे आवाज में बोली, प्रिय, अगर मैं इतनी ही नालायक और बेकार हूं तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? पति की बोलती बंद हो गई क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब न था। अपमान करना और व्यंग कसने से किसी को सुधारा नहीं जा सकता। ये तो बल्कि आग में घी का काम करते हैं। जब आप अपने साथी को पॉजिटिव रूप से मना सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर चोट पहुंचाने वाले विनाशकारी तरीकों को क्यों अपनाया जाए? बहुत से लोगों में अपने जीवन साथी को बदलने की सनक होती है। पत्नियां अपने पतियों के मित्र, उसकी टाई, उसकी जैकेट और उसका मनपसंद संगीत तक बदलना चाहती हैं। पति चाहते हैं कि उनकी पत्नियां कम या ज्यादा बोलें, कम या ज्यादा हंसे, पतली हो जाएं या अधिक गोरी हो जाएं, अपने बाल काटें या बढ़ाएं। कितनी अफसोस की बात है कि जिस इंसान से हम प्रेम करते हैं उसके केवल दोष निकालते रहते हैं। हम इस बात को नहीं समझते कि हमारी शिकायतें हमारी अपनी ही सनक या मूड के कारण होती हैं। रॉबर्ट जेंड ने कहा है, सब लोगों में एक समानता है, वो ये कि सब लोग अलग हैं। एक महिला अपने पति को अपनी मर्जी के मुताबिक डालना चाहती थी। वह उसे कोसती, टोकती, फुसलाती, मिन्नत करती और डराती भी थी। आखिरकार कई वर्षों के मेहनत के बाद अपने प्रभाव से उसने अपने पति को बदल कर अपनी इच्छा अनुसार बना लिया। वह बिल्कुल वैसा हो गया जैसा कि वह चाहती थी। लेकिन अब उसकी एक नई समस्या थी। वह दुखी होकर ठंडी सांस भरकर कहती, ये वही आदमी नहीं है जिससे मैंने विवाह किया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक खुश और स्वस्थ रिश्ते के लिए, एक दूसरे के अस्तित्व को कायम रखने के लिए थोड़ा समय और थोड़ी दूरी बहुत जरूरी है। पार्टनर्स शुड बी एबल टू मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी। थोड़ा समय और थोड़ी दूरी से मेरा मतलब यह नहीं कि आपका अलग से अपना बड़ा सा कमरा होना चाहिए जिसमें आप पेंटिंग या संगीत का आनंद ले सकें। कहने का अर्थ है, हर इंसान को अपनी रुचि का आनंद उठाने की आज़ादी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, पति कंप्यूटर या कसरत का सामान घर में रखना चाहता है, पत्नी दोपहर को हैंडीक्राफ्ट या म्यूजिक क्लास की कला सीखनी जाती है। इस तरह दोनों स्वयं भी और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। टीना और प्रवीण प्रेम पूर्वक रहते हैं। टीना चुलबुली है, उसे बहुत सारी बातों में रुचि है। वह अपने बेटे के स्कूल के पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की एक्टिव मेंबर है और अपनी सोसाइटी की सेक्रेटरी है, और अन्य प्रोग्राम्स में भी वह भाग लेकर व्यस्त रहती है। प्रवीण एक भक्त और धार्मिक इंसान है।
जो अपने आप को एक बिजनेसमैन और टेनिस खेलने का शौकीन मानता है। वह सुबह घर में बैठकर घंटों पूजा करता है, जिसमें वह मंत्रों का पाठ करता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमः।
ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, टीना और प्रवीण एक दूसरे को मन पसंद रुचि के मुताबिक समय तथा आज़ादी देते हैं। उन्हें एक दूसरे पर गर्व है। टीना का पति गर्व से कहता है, टीना के बिना किसी कमेटी का काम ठीक से नहीं चल सकता। टीना कहती है, मेरा पति व्यापार और धर्म को बड़ी सुंदरता से निभाता है। अपने लिए जगह बनाने के लिए आपको स्वयं को बंद नहीं करना है और न ही अपने साथी से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। आपको अपने घर और विवाहित जीवन में ही ऐसा कुछ करना है ताकि आपको अपनी जगह मिल सके। आपसी समझ ही मानो खुशी का रहस्य है। और जैसा कि हमने देखा है कि असल में समझदारी भी एक पेचीदा मामला है जिसके कई पहलू हैं। इसके लिए समवेदना की ज़रूरत होती है, इसके लिए धैर्य और सहनशील होने की ज़रूरत होती है, एक दूसरे की रुचि के प्रति आदर भी चाहिए। जब आप अपने साथी को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को भी समझने लगते हैं और साथ ही साथ जीवन की घटनाओं को भी। आप में बुद्धि और धीरज बढ़ जाता है और आप सारी बेकार की गलत फहमियों को दूर रखना भी सीख लेते हैं। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस यहीं तक। शेष कल ओम शांति 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 ही।